Hey friends, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So in my today's video, I'm gonna share with you two most delicious authentic recipe of Odisha. One of the recipe is gonna be a winter drink and another recipe is you can have it any time of the year. If you're new to my channel, so please watch this video until end. If you like my video, give a thumbs up and subscribe my channel. So without anything further ado, let's get started our today's video. तो आज की पहली रेसिपी है चारो पानी और रसम बनाना। और चारो पानी और रसम को उड़ीसा में काफ़ी सारे लोग पसंद करते हैं, तो आज ये चारो पानी बनाना मैं सिखाऊंगी ड्राई मैंगो यूज़ करके। अगर आपके पास ड्राई मैंगो है तो आप बस उसको कुछ टाइम के लिए पानी में भिगो के रखना होगा, और अगर आप इंस्टेंट बना रहे हैं तो बस उसको पानी में कुछ टाइम के लिए बॉयल करना होगा। तो मैं इसको इंस्टेंट बना रही हूँ, तो इसके लिए मैं पानी में पहले ड्राई मैंगो कुछ पीसेस ले लूँगी और उसमें अकॉर्डिंगली टर्मेरिक और सॉल्ट ऐड करूँगी और उसको मैं लगभग 45 मिनट तक बॉईल करूँगी। नॉर्मली चारों पानी और रसम को हम लोग नॉर्मल राइस के साथ खाते हैं, और आप इसको साल में किसी भी दिन बना के खा सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगती है राइस के साथ। नमक और टर्मेरिक डालने के बाद मैं अभी इसको 45 मिनट के लिए बॉईल करूंगी। ऑयल करने के बाद इसके ऊपर हम तड़का लगाएंगे, और याद रखिएगा तड़का जो है वो इस चारो पानी का बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर ठीक से तड़का नहीं लगेगा तो चारो पानी का टेस्ट ठीक से नहीं आएगा। मैंने 45 से 50 मिनट तक इसको बॉईल किया है। अब देख सकते हैं पानी का जो लेवल पहले था वो काफ़ी कम हो गया है, तो इसी लेवल में और इसी स्टेज में आप मतलब ऑन ऑफ कर सकते हैं गैस। तड़का लगाने के लिए मैंने लिया है गार्लिक, ये है करी पत्ता और ये है जिंजर। तो आप अगर गार्लिक थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, टेस्ट बहुत अच्छी आएगी। तो मैं अभी तड़का देने के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। पहले आप एक पॉट मतलब एक पॉट में मस्टर्ड ऑयल ले लीजिएगा, उसके बाद आपको डालना है जो पंचफुटन होता है, नहीं तो पंचफुटन नहीं है तो आप इसमें सरसों भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसमें क्यूमिन सीड्स भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें पंचफुटन लिया है, तो इसमें आपको ड्राई चिली डालना है 3-4 पीसेस, जो भी आपको अकॉर्डिंगली जितना आपका क्वांटिटी आपको उसके हिसाब से ड्राई चिली डालना है। उसके बाद करी पत्ता, और इसके बाद क्रश्ड गार्लिक, और इसमें मैं थोड़ी सी चाट मसाला भी ऐड करूंगी, और अभी मैं इसको अच्छे से सॉल्ट करूंगी। ध्यान रखिएगा तो तड़का लगाएंगे आप थोड़ा जले ना, नहीं तो मतलब थोड़ा जला हुआ लगेगा टेस्ट। इसके बाद मैं इसको जाकर डायरेक्ट उसी रसम में डाल दूँगी, चार पानी में डाल दूँगी, और इसके साथ हमारा प्रिपेयर हो गया चारों पानी आज का पहला रेसिपी। तो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। सेकेंड रेसिपी भी मैं आपको दिखाऊंगी उड़ीसा के और एक अथेंटिक रेसिपी जो कांजी है, जिसको हम लोग विंटर में बहुत बहुत सारे लोग पसंद करते हैं पीना। तो ये जो कांजी है मोस्टली हम लोग राइस वाटर से बनाते हैं। तो नॉर्मली राइस वाटर मतलब जो राइस बनने के बाद जैसे आप उसको छानते हैं, और वो जो राइस वाटर निकलता है वो वाटर को आपको 2-3 दिन तक स्टोर करना होगा, और उसके बाद जाकर वो कांजी में थोड़ा खट्टा टेस्ट आएगा। तो खट्टा टेस्ट आएगा तो कांजी का टेस्ट डबल हो जाता है। तो एक बार आपका कंटेनर फुल हो जाए तो आप बस उसको 1 घंटे तक अच्छे से बॉईल करना होगा। देखिए 1 घंटे बॉईल करने के बाद झाग आ गया है, तो इसमें से पता चल जाएगा कि मतलब आपका जो राइस वाटर है वो अच्छे से बॉईल हो गया है। इसके बाद आप इसमें थोड़ा सॉल्ट और हल्दी डाल के उसको और कुछ टाइम के लिए बॉईल कीजिएगा, और इसके बाद ये कुछ इस टाइप का कलर आपको आएगा। तो बस आप उसको निकाल के रख दीजिए 1 घंटे के बाद। 1 घंटे अच्छे से बॉईल करने के बाद आप उसको निकाल के रख दीजिए, और अभी इसका जो तड़का लगाना है लाइक माई प्रीवियस रेसिपी,
इट इज़ तड़का यहाँ पे लगाना भी काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नहीं तो कांजी का टेस्ट नहीं निकलेगा। तो इसके लिए सेम इंग्रेडिएंट्स हम लोग लेंगे, जैसे क्रस्ट गार्लिक, करियंडर लीव्स और जो ड्राई चिल्ली और ऐसे कुछ हम लोग कुछ इंग्रेडिएंट्स लेकर उसको बनाएंगे तड़का। तो पहले तेल डालने के बाद इसमें हम लोग ड्राई चिल्ली डाल चाकू से भी डाला गया है, उसको ऐसे सॉर्ट करने के बाद थोड़े से उसके बाद जो क्रश गार्लिक वो भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि गार्लिक ही है जो इसका टेस्ट को बहुत अच्छे से लाता है कांजी का। तो इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे कुछ करियंडर लीव्स, धनिया का पत्ता, और अभी ये देखिए पूरा अच्छे से भुन गया है। अभी इसको डायरेक्ट जाके हम लोग इस कांजी में ही डाल देंगे। देखिए डायरेक्ट तब अगर नहीं डाल पा रहे हैं तो अभी थोड़ा इसमें पानी तो कांजी का थोड़ा लीजिए और इसमें मिक्स करके आप से वैरी इसमें डाल सकते हैं। तो ये अभी थोड़ा गर्म ही होगा, आप इसको जब तड़का लगाएंगे बस 6-7 घंटे के बाद थोड़ा ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसको ठंडा ठंडा ही सर्व किया जाता है और उसी टाइम ये काफ़ी सही लगता है, काफ़ी टेस्टी आता है। तो होप करती हूँ कि आपको ये दोनों रेसिपी काफ़ी अच्छी लगी होगी, ज़रूर आप घर पे बनाइए और ट्राई कीजिए, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।